अमृत पिया है मैंने, तुम सबका कारण बनकर आया हूँ। मैं हर जगह व्यर्थ हूँ, तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे घर के बाहर भी, और हो सकता है मैं अभी भी किसी न किसी रूप में यहाँ हो सकता हूँ। तो बताओ कौन मैं? नहीं, मैं हूँ प्लास्टिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कब पैदा हुआ। सन 1898 में आप जैसे ही किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे जन्म दिया। तब से लेकर आज तक मैं इतना विशाल हो गया हूँ कि किसी की मदद जो मेरा कुछ कर सके, कुछ नहीं कर सकते आप लोग मेरा, कुछ नहीं। अच्छा, जलाओगे? जला दो, मैं भी हवाओं के रास्ते आपके सांसों में घुल जाऊंगा। कल तक तो मास्क लगाते थे ना, अगले साल से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमोगे। अच्छा, जमीन में दबा दोगे? दबा दो, मैंने भी अगर उस जमीन को बंजर ना बना दिया ना तो कहना। अच्छा, पानी में डाल दोगे? अरे पहले ही क्या साफ पानी के कम ज्यादा पड़ रहे थे? कुछ सालों तक तुम सब एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाओगे, फिर मुझे खड़े खोटे मत सुनाना कि मैंने ऐसा किया। हाँ, ये मेरा घमंड है, मुझे इस घमंड पर दुख है, क्योंकि इसी के चलते मैं एक दिन अकेला रह जाऊंगा। तुम सबकी तो उम्र है ना 50 साल, 60 साल या 100 साल, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन जिंदा रहूंगा तो सिर्फ मैं, क्योंकि मैं अमर हूँ, मेरी कोई उम्र नहीं। कुछ साल तक ठीक था, मेरे दोस्त थे, छोटे छोटे कूड़े कचड़े, मैं उनके साथ खुश रहता था, अच्छे से रहता था, मस्तियां करता था। लेकिन एक एक करके वो सब मुझे छोड़ के चले गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। फिर खबर मिली वो सब रिसाइकिल के लिए चले गए हैं। अरे उन्हें क्यों रिसाइकिल किया? अमर तो मैं हूं ना, सारी शक्तियां तो मेरे पास है ना, फिर उन्हें क्यों रिसाइकिल के लिए भेज दिया गया? अरे मतलबी इंसानों, अपने मतलब के लिए पहले इस्तेमाल करते हो मुझे, फिर जहां मन चाहे वहां फेंक देते हो, फिर मुझे खड़ी खोटी सुनाते हो कि मैंने तुम्हारे नदियों में चौकी है, मैं प्लास्टिक पॉल्यूशन फैला रहा हूँ। मुझे खड़ी खोटी सुनाते हो ना हर बात पे, क्यों? अपना खाना प्लास्टिक में पैक करके ले जाते हो, उसे खाते हो और जहां मन चाहे वहां फेंक देते हो, फिर मुझे खड़ी खोटी सुनाते हो क्योंकि उसको खाने से पशु पक्षियों की जान चली जाती है। अरे क्यों क्यों मुझे खड़ी खोटी सुनाते हो? मैंने कहा था मुझे जन्म दो, मैंने कहा था मेरा इस्तेमाल करो, मैं प्लास्टिक हूं। लेकिन मेरा भी दिल है, मैं नहीं चाहता किसी की जान चली जाए मेरे वजह से। मैं नहीं चाहता किसी की सांस लेने में तकलीफ हो। मैं तो कहता हूँ मत करो मेरा इस्तेमाल। क्यों करते हो मेरा इस्तेमाल? सरकार भी तो यही कहती है ना, मत करो प्लास्टिक का इस्तेमाल। ये तो तय है कि मैं जिंदा रहूंगा और मुझे इस बात पर दुख है। मैं जानता हूँ कि ये सारी कड़वी बातें आज मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ। अरे दोस्तों, ये सच्चाई है, ये कहानी है आपकी, मेरी, हम सब की। मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से जाए तो इस बात को सोचे, विचार करे, अपने घर वालों से इसके बारे में बात कर ले, क्योंकि बात करने से ही बदलाव होगा, और बदलाव किसी एक से संभव नहीं, बदलाव हम सबको करना होगा। इसी के साथ मैं इशिका जायसवाल धन्यवाद देती हूँ। Thank you.